अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अय्यूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 6.1 कॉनिक सेक्शन सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स करवाए थे लास्ट वीडियोस के अंदर, और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इंशाल्लाह और कोशिश करता हूँ 8 भी करवा दूँ आपको इसी वीडियो के अंदर। जितना क्वेश्चन 4 लेंथी था और शायद मुश्किल था, उतना ही क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट भी है और आसान भी है। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा जा रहा है, कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सच दैट इट इज टेंजेंट टू द बोथ एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और दोनों एक्सिस को वो टच करता है। अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊं उसका, ये देखिएगा, ये सपोज सर्कल है हमारा और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो हमारा ये सर्कल इन दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और देखिएगा, और इसकी क्या क्वालिटी है कि इसका रेडियस 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहां से यहां तक देखूंगा तो ये भी रेडियस है, ये भी 1 के बराबर, और यहां से मैं यहां तक देखूं ये भी रेडियस है 1 के बराबर। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट लिखना चाहूं तो ये पॉइंट बनेगा -a, a। अब ये -a, a क्यों बना, इसकी वजह समझ लीजिएगा आप लोग। उसकी रीजन कुछ यूं है कि आप देखें एक्स की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये एक्स की वैल्यू ये बनती है, यानी यहां से लेकर यहां तक एक्स की वैल्यू ए है, लेकिन ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट या यू समझिएगा कि नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए ए की वैल्यू नेगेटिव बनी है या एक्स की वैल्यू बनी नेगेटिव बनी है। उसके बाद अगर मैं यहां से लेकर यहां तक देखूं तो y की वैल्यू भी a के बराबर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी a है, y की वैल्यू भी a है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इसका सेंटर बना है -a, a, रेडियस इसका a के बराबर है, और अब आप रिकॉल कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको सेंटर ऑफ सर्कल भी गिवन था और रेडियस ऑफ सर्कल भी गिवन था, और मैंने आपसे कहा था कि जब सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल दोनों दिए जाएं तो इस केस में हम प्रेफर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक हो गया, आप जस्ट इसको लिखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्यूशन हमारा क्या है, गिवन क्या है, गिवन ये है कि रिक्वायर्ड सर्कल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट टेंजेंट टू द बोथ एक्सिस हैविंग रेडियस, किसके बराबर रेडियस, रेडियस है इसका ए के बराबर। ठीक हो गया, अच्छा अब आप देखें यहां मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। क्या क्लियर फ्रॉम फिगर, फिगर से ये क्लियर ये है कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या बना है, -a, a, रेडियस ऑफ सर्कल क्या बना है, ए के इक्वल। ठीक हो गया, सो नाउ जब सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज क्या बनेगा, एक्स माइनस एच होल स्केयर। आपको याद होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स माइनस एच होल स्केयर। अब एच क्या है, बेसिकली वो सेंटर ऑफ सर्कल का है एक्स कोऑर्डिनेट,
तो x माइनस एच अब वो है माइनस ए के इक्वल, इसका आना है होल स्क्वायर, प्लस आना है y माइनस के और वो है सेंटर का y कोऑर्डिनेट, दैट इज y माइनस ए होल स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका आंसर इस फॉर्म में भी ठीक है, यानी अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई और राइट वाला ए स्क्वायर लेफ्ट पे आके हुआ माइनस, तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हुआ। सो जब आप इसको फाइनल सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ये इसका आंसर आ गया। आपको मैंने कहा था कि जितना लेंथी क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जो हमारा जितना मुश्किल क्वेश्चन 4 था उतना ही आसान उतना ही शॉर्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सो देखा जाए तो क्वेश्चन 4 इतना मुश्किल भी नहीं था, लेकिन चूंकि लेंथ ज़्यादा थी उसकी तो नॉर्मली जो लेंथी क्वेश्चन होता है वो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है और हमने क्या करना है, हमें कहा जा रहा है शो दैट द लाइंस आर टेंजेंट टू द सर्कल। गिवन क्या है, हमें गिवन ये है, आप पहले लिखें इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो, इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए का नेम दिया, और एंड लाइंस आर, लाइंस क्या हैं, एक लाइन है थ्री एक्स माइनस टू वाई, थ्री एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, इसे बी का नाम दिया, और तीसरी इक्वेशन है सॉरी दूसरी इक्वेशन है दैट इज टू एक्स प्लस थ्री वाई और माइनस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो, इसे मैंने सी का नेम दिया। हमें क्या कहा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है शो दैट दीज टू लाइन्स आर टेंजेंट टू द सर्कल। मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको क्वेश्चन को करता हूँ फिगर आउट, जब मैं इसे फिगर आउट करूंगा तो समझ आएगा हमें क्या करना है। ये देखिएगा फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि लेट्स सपोज ये एक लाइन जो इसको टच कर रही है और एक सपोज करें लाइन ये है जो उसको टच कर रही है। अब ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। आप देखें अगर सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन तक का डिस्टेंस ये किसके इक्वल आ जाए, आर के बराबर आ जाए, सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन तक का डिस्टेंस किसके बराबर आ जाए, आर के बराबर है, ये भी आर है और ये भी आर है, एंड यू नो दैट कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फार्मूला है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 6 में कई दफ़ा यूज़ होना है, इसलिए इस फार्मूले को अच्छी तरह याद रख लें। इस फार्मूले को मैं बार बार यूज़ करूँगा और इस फार्मूले का नेम है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। ठीक हो गया, अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन बी का डिस्टेंस फाइंड करूँ, सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन सी का डिस्टेंस फाइंड करूं, अगर ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस आर के बराबर आ जाएं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइन सर्कल को टच करती है। अब मुझे क्या करना होगा, पहले मुझे ये करना होगा कि मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। अब रिकॉल कीजिएगा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या था कि कोफिशियंट ऑफ एक्स किसके बराबर था उसमें, टू जी के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ है, टू जी क्या होता है, दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू सिक्स इंप्लाइज जी इज थ्री। उसके बाद फिर टू एफ मीन कोफिशियंट ऑफ वाई विच इज माइनस फोर, एफ इज इक्वल टू माइनस टू एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म
जो इसमें नहीं है, सो सी इज जीरो। अब मुझे करना क्या है, सेंटर फाइंड कीजिएगा। सिंस वी नो दैट सेंटर ऑफ सर्कल होता है माइनस जी और माइनस एफ, तो सेंटर बनेगा जी की वैल्यू है 3, दिस इज माइनस 3, एफ है माइनस 2, तो ये बन जाएगा प्लस 2, इट इज सेंटर। और रेडियस का फार्मूला आप जानते हैं, वो होता है स्क्वेयर रूट ऑफ जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर और माइनस सी। व्हाट इज जी, जी है 3, 3 का स्क्वेयर प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, आर विल बी स्क्वेयर रूट ऑफ 9 प्लस 4, तो आर बना है स्क्वेयर रूट ऑफ 13। ये रेडियस आ चुका है। हमने प्रूफ ये करना है कि लाइंस बी एंड सी बोथ आर टेंजेंट टू द सर्कल ए। अब मुझे सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर दोनों के दोनों डिस्टेंसेस आर के इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये होगा बाय द थ्योरम कि अगर सेंटर ऑफ सर्कल से किसी लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो तो लाइन होती है टेंजेंट टू द सर्कल। यहां डिफाइन कीजिएगा, क्या डिफाइन करेंगे, लेट डी वन डी टू बी द डिस्टेंसेस ऑफ लाइंस बी एंड सी, कहां से, फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। सो डी वन किसका डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन बी तक का डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिखा हुआ है एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वन वाई वन क्या होगा, एक्स वन वाई वन होगा सेंटर ऑफ सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी ये क्या बनेगा, अगर मैं इसको देखना चाहूं तो ये बनता है एक्स वन और ये क्या बनेगा वाई वन, ठीक हो गया, ये हमारा एक्स वन और ये आ गया वाई वन। अब मुझे ये कहाँ पुट करना है, लाइन में जहाँ पर x है वहाँ पुट करना है x की वैल्यू, तो देखिएगा 3 इंटू क्या x की वैल्यू माइनस 3, तो ये बनेगा 3 इंटू माइनस 3 और 2 इंटू y की वैल्यू ऑफ सेंटर दैट इज माइनस 2। अब इसमें c नहीं है, कोई बात नहीं, स्टॉप करें इसको, ओवर क्या आएगा, ओवर आएगा कोफिशियंट ऑफ x का स्क्वेयर विच इज 3, यहां पे क्या आना है 3 का स्क्वेयर प्लस आना है कोफिशियंट ऑफ y विच इज माइनस 2 इसका होल स्क्वेयर। अब आप देखिएगा ये क्या बनेगा, दिस इज माइनस 9 माइनस 4 ओवर आ रहा है 9 प्लस 4। अब आप ये देखिएगा दिस वुड बी माइनस 9 एंड माइनस 4, ये बनेगा माइनस 13 ओवर आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 13। आपको पता है मॉड में कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये क्या है इट इज स्क्वेयर रूट 13। आप ऊपर वाले 13 को लिख सकते हैं स्क्वेयर रूट 13 इसका होल स्क्वेयर और नीचे क्या आएगा स्क्वेयर रूट 13 आ जाएगा, तो ये क्या बना है दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ 13 विच इज इक्वल टू व्हाट आर। इसका मतलब क्या हुआ है कि डी वन मैंने फाइंड किया वो किसके बराबर आ गया, वो आर के बराबर आ गया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डी टू फाइंड करना है, अब थोड़ा सा मैं अगर इधर लिख दूं ज्यादा अच्छा होगा, शायद आपको नजर ना आ रहा हो, यहां लिखता हूं मैं डी टू, डी टू बनेगा दिस वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखिएगा वही हमारा एक्स वन वाई वन एग्जैक्टली वही है माइनस थ्री माइनस सॉरी प्लस टू, ये एक्स वन ये वाई वन है। अब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है इस सेंटर ऑफ सर्कल का लाइन सी से, वही काम करूंगा कि एक्स की जगह पुट करूंगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो क्या बनेगा देखिएगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू प्लस 2 और आगे क्या है माइनस 13 ओवर आ रहा है कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वेयर। इसको भी आप जरा अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, गौर से देखिएगा दिस इज माइनस 6 प्लस 6
माइनस 13 ओवर आना है 4 प्लस 9 तो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हुआ, फिर उसी तरह से माइनस 13 का मॉड ओवर स्केयर रूट ऑफ 13 आप जानते हैं ये बनेगा प्लस 13 ओवर आएगा स्केयर रूट ऑफ 13। उसके बाद आपको पता है कि ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं स्केयर रूट 13 का स्केयर ओवर स्केयर रूट 13, ये कैंसिल हुआ तो किसके बराबर आया, ये आया है बराबर स्केयर रूट ऑफ 13। तो आपको पता है स्केयर रूट ऑफ 13 ये रेडियस के बराबर है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। आप देखें जब मैंने डिस्टेंस 1 फाइंड किया वो भी आर के बराबर है, डिस्टेंस नंबर 2 फाइंड किया वो भी आर के बराबर है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, स्पेस इज ओवर तो मैं अब इसको रेस करने जा रहा हूँ, तो मुझे ये लिखना होगा कि फ्रॉम अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव कंक्लूडेड दैट लाइन्स बी एंड सी आर टेंजेंट टू द सर्कल ए, हैंस प्रूफ्ड दिस इज द आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर कर लिया है कौन सा 6, जिसमें हमें दो लाइन्स दी गई थी और ये कहा गया था कि बताइए ये सर्कल को टच करती हैं कि नहीं टच करती, मतलब नहीं का तो वर्ड नहीं था, मतलब ये था कि आपने शो करना था कि लाइंस आर टेंजेंट टू द सर्कल। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए कैलकुलेशन इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि आपको ये पता हो कि कोई लाइन अगर प्रूफ करनी है कि वो टेंजेंट है तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि उस सर्कल के सेंटर से लाइन तक का डिस्टेंस अगर आर के बराबर आ जाए तो लाइन इज टेंजेंट। ठीक हो गया जी। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, उसमें हमें क्या कहा जा रहा है, देखिएगा उसमें हमें कहा जा रहा है कि हम अब सीखते हैं टॉपिक का नाम है टचिंग सर्कल्स। ठीक हो गया, टचिंग सर्कल्स, सर्कल्स टच करते हैं एक दूसरे को दो तरह से। ठीक हो गया, अब नोट कीजिएगा, एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं यहां पे, ये सर्कल है, उसके बाद एक सर्कल ये है, ये दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये देखिएगा ये सेंटर है। अब मैं इसे क्या कहता हूं, सेंटर 1, इसे मैंने क्या कहा सेंटर नंबर 2, इसको मैंने ज्वाइन किया ये और इसको मैंने ज्वाइन किया ये। अब आप देखें इसका मतलब क्या होगा, अब गौर से देखिएगा, मैं लिखूंगा जनाब सर्कल्स टच एक्सटर्नली। दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कब करते हैं, ज्योमेट्री इसकी ये बनी है और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो ये है कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस अगर दोनों सर्कल्स के रेडियाई के सम के बराबर आ जाए, मतलब क्या होगा कि रेडियस ऑफ सर्कल नंबर 1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल नंबर 2 इन दोनों सर्कल्स के रेडियस के सम के बराबर आ जाए, इट मींस दे टच एक्सटर्नली। उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं सर्कल्स टच इंटरनली। सर्कल्स टच इंटरनली कब होंगे, कब सर्कल टच करेंगे एक दूसरे को इंटरनली, उसका ग्राफ देखें, सपोज करें एक सर्कल ये है और एक सर्कल सपोज करें ये है। ठीक हो गया, अब आप देखें ये सेंटर ऑफ सर्कल है और ये सेंटर ऑफ सर्कल है। ठीक हो गया, इसको मैंने यहां से ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन करता हूं मैं यहां पे लेके चला गया। अब देखिएगा सेंटर 1 ये है, सेंटर नंबर 2, अब आप देखें तो इसकी जो शेप बनी है वो ये है। आप देखें ये सारे का सारा रेडियस किसके बराबर है, आर 1 के बराबर, और ये कितना रेडियस होगा, आर 2 के बराबर होगा। अगर दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस दोनों रेडियाई के डिफरेंस के मॉड के बराबर आ जाए, इट मीन्स दे टच इंटरनली। मॉड हमने क्यों लगाया, क्योंकि असल में डिफरेंस है, नेगेटिव भी हो सकता है।
तो हम क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट पे हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट पे हम कह रहे हैं दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने एक खौफ को, मतलब अपने खौफ की वजह से कि कहीं नेगेटिव साइन ना आ जाए, हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूँ और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दोनों क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में आपने करना क्या है, इन दोनों में आपने बताना ये है कि वो टच करते हैं इंटरनली या एक्सटर्नली। तो एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी तरह से आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, जो मैं करने जा रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 7, और उसमें कहा जा रहा है कि शो दैट सर्कल्स टच करते हैं एक्सटर्नली। गिवन क्या है जनाब, हमें गिवन ये है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7, इसको मैंने a का नेम दिया, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर b का नेम दिया। अब मुझे प्रूफ करना है कि दोनों सर्कल्स टच करते हैं एक्सटर्नली। आप यहां पे क्या लिखें, यहां पे लिखें आप फ्रॉम ए, आप यहां पे लाइन लगा लीजिएगा, यहां पे आप क्या लिखेंगे फ्रॉम बी। देखिए एग्जैक्टली वही वाला काम करें, दोनों सर्कल्स के सेंटर पहले फाइंड कर लें आप लोग। ये देखिएगा, उसके लिए क्या करूंगा मैं, 2g कोफिशियंट ऑफ एक्स 2 के बराबर, जी की वैल्यू क्या बनी 1, फिर 2f कोफिशियंट ऑफ वाई माइनस 2, एफ की वैल्यू क्या बनी है -1, सी मेन कॉन्स्टेंट टर्म। एग्जैक्टली वही वाला काम कीजिएगा, 2g कोफिशियंट ऑफ एक्स ऑफ सर्कल बी, तो जी इज इक्वल टू -3, 2f कोफिशियंट ऑफ वाई 4 इंप्लाइज एफ इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू -9। अब ये सी है -9 के बराबर, बुक में लिखी है, बट मेरे ख्याल से सी -9 नहीं होगा, सी होगा +9। यस, ये बुक में है, गलत है, मेरे पास ये +9 होगा, उसकी वजह आपको मैं समझा दूंगा, ये सी 9 प्लस क्यों होगा। अब आप क्या करेंगे, सिंस सेंटर ऑफ सर्कल ए, इसे आपने क्या नाम दिया C1, माइनस जी और माइनस एफ हो जाएगा, तो क्या बनेगा C1 विच इज इक्वल टू -1 और +1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप यहां पे लिखें रेडियस ऑफ सर्कल 1 या ए, ये किसके बराबर है, R1 के बराबर, फार्मूला है जी स्केयर प्लस एफ स्केयर माइनस सी, तो R1 बनेगा जी, जी का स्केयर क्या है 1, -1 का स्केयर और --7, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 7, दिस इज इक्वल टू स्केयर रूट 9, तो R1 की वैल्यू क्या बनी है। एग्जैक्टली यही काम यहां पे करें आप लोग, सिंस सेंटर ऑफ सर्कल बी, इसे मैंने C2 का नेम दिया, -g और -f, तो C2 दिस वुड बी +3 एंड -2, वजह क्या है जी -3 है और एफ +2 है, यहां पे जब साइन चेंज करेंगे तो जी विल बिकम प्लस और एफ विल बिकम माइनस। ठीक हो गया, सेंटर आ गया आपका, और उसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल बी, उसे आपने R2 का नेम दिया, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, आप देखिएगा R2 जी की वैल्यू क्या है -3 इसका होल स्केयर प्लस 2 इसका होल स्केयर। अब देखें अगर सी की वैल्यू नेगेटिव होती तो यहाँ भी नेगेटिव साइन है, तो माइनस माइनस ये प्लस होता और ख़ासा काम ख़राब करता ये, इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव ही होनी चाहिए। देखिएगा 9 प्लस 4 माइनस 4 ये कैंसिल हुआ और ये 4 बना, तो R2 का आंसर आ गया है 2 के बराबर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस पहले फाइंड करना है, उसे मैं क्या कहता हूँ C1 C2 डिस्टेंस। अब देखिएगा ये C1 है और ये C2 है, इन पे अप्लाई करें फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, वो होता है X2 माइनस X1, X2 3
एक्स वन माइनस वन, तो थ्री माइनस माइनस वन आएगा। तो अगर मैं लिख दूं डायरेक्ट तो मेरे ख्याल आपको समझ आ जाना चाहिए, तो ये बनेगा थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस ये है माइनस टू, माइनस टू और माइनस वन बनेगा, तो ये माइनस टू एंड माइनस वन आ जाएगा। आप देखिएगा थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्केयर सिक्सटीन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का स्केयर नाइन, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। जब आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5। मतलब क्या हुआ, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस कितना आया है, 5 आया है। उसके बाद अब आप करेंगे रेडियस वन प्लस रेडियस टू, रेडियस वन इज थ्री, रेडियस टू इज टू, किसके बराबर आया, 5। इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर टू, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर वन। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, आपने देखा दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस दोनों सर्कल के रेडियाई के सम के बराबर आ गया है। इसका मतलब भी क्या हुआ, एंड भी क्या लिखेंगे आप लोग, दिस इंप्लाइज सर्कल्स ए एंड बी टच एक्सटर्नली, ये इसका आंसर आ गया। तो हमने देखा कि बड़ा सिंपल सा काम था कि दोनों सर्कल्स के हमने सेंटर्स फाइंड किए, दोनों सर्कल्स के हमने रेडियस फाइंड किए, फाइंड करने के बाद हमने दोनों सर्कल्स के सेंटर्स का डिस्टेंस लिया और उसके बाद दोनों सर्कल्स की रेडियाई का सम लिया, दोनों बराबर आ गए। इट मींस के दे टच एक्सटर्नली। अगर यही क्वेश्चन आपको करना हो इंटरनली वाला, सेम टू सेम सारा प्रोसीजर यहाँ तक सेम है, बस यहाँ पर जब आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग, R1 माइनस R2 मॉड लगा देंगे, ठीक हो गया, दोनों बराबर आएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, शो कि दे टच इंटरनली, ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिया है, क्वेश्चन 6 करवा दिया है, 7 करवा दिया है, 8 क्वेश्चन का मैंने आपको ये बता दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। अप टू दैट थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।